नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय एसपी। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता एएनएम जीएनएम रसोइयों के बारे में। जैसा कि लंबे समय से आप सभी को पता है, कोई ना कोई अपडेट आप सभी संविदा कर्मियों के हित में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा आ रही है। तो दोस्तों आज आप सभी कर्मियों के हित में मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक और बयान सामने आया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रसोइयों से जितनी भी अपडेट आएंगी सबसे पहले आपको देखने हो सुनने को मिलेगा। तो लंबे समय से जो है आप सभी को मानदेय वृद्धि का इंतजार था, फाइनली वह घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल करके डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज अगर आप लाइव चैनलों के माध्यम से देखेंगे, हर एक पेपर की कटिंग में देखेंगे, हर एक न्यूज़पेपर की कटिंग में देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एएनएम जीएनएम और रसोइया का मानदेय वृद्धि हो चुका है। जी हाँ, अब आप सभी को मध्य प्रदेश सरकार जो मानदेय मिलता था उसमें 80% की वृद्धि कर दिया गया है। यानी जो आपकी राशि मिलती थी, मानदेय राशि मिलती थी, उसमें आप लोगों को जो है 80% की वृद्धि की गई है। साथ ही साथ आप लोगों को भी दिया जाएगा 20% का डीए, यानी जो आपका मानदेय है उसका 20% आपको डीए भी दिया जाएगा। और साथ में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी लाभ आप सभी कर्मियों को मिलेगा, और साथ ही साथ और आप लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ आप सभी कर्मियों को देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश के जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संविदा कर्मी कार्य करते हैं उन सभी कर्मियों के हित में मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। जैसे अगर आप अपने कामों को अच्छे ढंग से करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार आप सभी को प्रोत्साहन राशि भी देगी, और अब प्रोत्साहन राशि भी 2 गुना कर दिया गया है। आप लोगों को प्रोत्साहन राशि जो है प्रतिवर्ष 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक डोनेट करेगी। यानी जो है 50,000 रुपये तक आप सभी प्रोत्साहन राशि पा सकते हैं। तो आप लोग अपने ढंग काम को अच्छे ढंग से करेंगे तो 50,000 की राशि भी आप सभी को देखने को मिल जाएगी, और उसमें आपकी सैलरी में ऐड करेंगे तो लगभग 4,000 रुपये प्लस ऐड हो जाएगा आपकी सैलरी का। तो आप लोग अपने कामों को अच्छे ढंग से करिए। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी ममता एएनएम जीएनएम रसोइया जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं आप सब पूरा तन मन लगा करके अपने कार्यों को करिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी यह फैसला लिए हैं कि आप लोगों को 80% की वृद्धि करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।